नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 13। राहुल बॉट अ स्वेटर, स्वेटर खरीदा एंड सेव्ड ₹20 व्हेन इट डिस्काउंट ऑफ 25% गिवन। आप मार्केट से कुछ भी लेने जाते हो, कई बार आप देखते हो कि आप क्लोथिंग पे एक डिस्काउंट है कि आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 25% मान लो इस केस में जैसे कि गिवन है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस कुछ और होगा, डिस्काउंट के बाद आपको वो चीज मिली कितने की। जैसे राहुल बॉट अ स्वेटर और उसे ₹20 सेव किए, कब, जब उस पे 25% डिस्काउंट था। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट, तो डिस्काउंट से पहले कितने प्राइस का वो स्वेटर था। आपने कई बार देखा है कहीं भी आप कपड़ों के परचेज करने जाओ तो डिस्काउंट लगा है कि 50% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, किस पे होता है वो डिस्काउंट, ओरिजिनल प्राइस पे। सो लेट द प्राइस ऑफ स्वेटर बिफोर डिस्काउंट, दैट इज ओरिजिनल प्राइस बिफोर डिस्काउंट, ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस। हमने मान लिया कि ₹X का वो स्वेटर है, अब कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 25%। 25% जो डिस्काउंट मिल रहा है किस चीज पे मिल रहा है, ओरिजिनल प्राइस पे, दैट इज एक्स पे। अगर उसे 25% डिस्काउंट मिला तो उसके कितने रुपीज सेव हुए, ₹20। मतलब जितने की वो चीज थी, जितने की वो आइटम थी, उस पे 25% डिस्काउंट मिला तो उसे ₹20 कम देने पड़े, सेव हो गए उसके ₹20। तो 25% का साइन हटाएंगे, अपॉन में 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई एक्स, 25 4 100, सो एक्स बाय 4 20, एक्स इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 20, डेट इज 80। Therefore, price of sweater before discount is equals to ₹80। जब उस पर डिस्काउंट नहीं लगा था तो वो स्वेटर कितने का था, ₹80। क्लियर, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट करते हैं, दोबारा से देखिए एक बार इसे। हमें कहा है कि किसी चीज पे डिस्काउंट मिला है 25%, और डिस्काउंट जब मिला तो उसके इतने रुपए सेव हुए। मान लिया वो डिस्काउंट किस पे लगा हुआ, ओरिजिनल प्राइस पे, तो हमने मान लिया ओरिजिनल प्राइस जो है वो एक्स है, तो 25% ऑफ एक्स और सेव कितने हुए, ₹20। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था उसका, दैट इज ₹80। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। रीनास मदर सेड टू मेक इटलीज, यू मस्ट टेक 2 parts राइस, राइस का पार्ट लेना है एंड 1 part उड़द दाल। राइस और उड़द दाल की रेशो ली है 2:1, कि 2 parts राइस के और 1 part उड़द दाल का, देन टोटल पार्ट्स कितने हुए, टोटल पार्ट्स कैसे करते हैं, ऐड करते हैं 2+1 3। नाउ पार्ट ऑफ राइस, उस इडली में राइस का पार्ट कितना है, राइस का कितना पार्ट लिया था, 2, टोटल कितने हैं, 3। और पार्ट ऑफ उड़द दाल, उड़द दाल के कितना पार्ट लिया था, 1, टोटल 3 parts में से यही लिया था। अब हमें निकालनी है इसकी परसेंटेज, नाउ परसेंटेज ऑफ राइस, कितने परसेंट राइस प्रेजेंट है उसमें, परसेंटेज ऑफ राइस क्या होगी, 2/3। परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100%, इस डिनोमिनेटर वाले 100 की जगह पे क्या आया, परसेंटेज। सो 200 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड करेंगे, 3 6 are 18, 20 3 6 are 18, 2 66, 2/3%, 66, 2/3%। नाउ परसेंटेज ऑफ उड़द दाल कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ उड़द दाल कितना पार्ट है इसका, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, 100%,
So 100 divided by 3. 3 threes are 9. 3 threes are 9. 1. So 33. 1 by 3%. This will be the percentage of urad dal and this is the percentage of rice present in Italy. Clear? Rice हमें कहा है 2 part लेने हैं, urad dal 1, तो total parts हो गए 3. Part of rice हुआ 2 by 3, part of urad dal 1 by 3. Now percentage of rice present 2 by 3 multiply by 100%, that is 66, 2 by 3%. Percentage of urad dal 1 by 3 into 100%, that is 33, 1 by 3%.